हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्पम ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और मैं सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि रात में इतनी तेज़ बारिश हुई गाइस, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब अचानक से मौसम तो ऐसे 2 दिन से बना हुआ ही था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल अचानक से इतना तेज़ का हवा और बारिश आई कि पूछिए मत। और सभी जितने भी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे थे वो सभी कोई सो गए, क्योंकि अचानक से जो हवा चली और बारिश आई इस वजह से सारे पेड़ गिर नहीं गए सो गए, बोलिए एकदम से पूरा ज़मीन से जुड़ गए। तो चलिए उसी को थोड़ा सा आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि मेरे पेड़ पौधे छोटे छोटे प्यारे प्यारे को मैं कैसे सही करती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा अनार का पेड़ कितना बुरी तरह से पूरा झुक गया, जो कि आप देख सकते हैं छोटे से 2 अनार आए हुए हैं। और अभी मुझे इसी को थोड़ा सही करना है क्योंकि ये पूरी तरह से ना पूरा झुक गया है, इसको थोड़ा बांधना पड़ेगा। देखती हूँ कि केला का भी पेड़ पूरा टेढ़ा हो चुका है, जो कि मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ और इसको भी सही करना पड़ेगा। और उधर देखिए शीशम का भी पेड़ पूरा टेढ़ा हो चुका है, जो कि बहुत ही सीधा सा पेड़ था और अभी वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। देखती हूँ कुछ सपोर्ट अगर दे करके उसको भी सही कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर मैं उसी अनार को सही करने के लिए थोड़ा बहुत ना मैं ये ले रही हूँ गोबर, जो कि खाद का भी काम करता है, और मिट्टी के साथ इसको मिला करके लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसको मिलेगा। और इधर भी देखिए मैं उसको कोड़ रही हूँ धीरे धीरे, तो कोड़ने क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से गीला है और अभी मैं उसको अच्छे से सुधार सकती हूँ, नहीं तो बाद में ना फिर बंजर भूमि जैसा हो जाता है, क्योंकि ना बलकसी मिट्टी जिसको बोलते हैं वो है तुरंत मतलब हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से मैं फटाफट सोच रही हूँ कि इसके साथ थोड़ा गोबर मिक्स करके डाल दूँगी तो खाद का भी काम करेगा और बहुत इजीली ये अभी सीधा भी हो जाएगा, नहीं तो बाद में ना कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ना पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब जो गार्डन बोलिए जो भी बोल सकते हैं आप छोटा सा प्यारा सा, तो बहुत सारे ना मतलब इसमें छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्यार से मेरे हस्बैंड लगाए हैं। और उसको ना मतलब इतना छोटे से लगाया और अभी ये बड़ा होकर फल भी देने लगा है, तो इसको मैं इस तरह से गिरा हुआ नहीं देख सकती, तो इसको मैं कुछ हद तक कोशिश करूँगी कि ठीक हो जाए, और अगर मेरे से हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड उठेंगे तो फिर वो कर देंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो मैं इसको पहले मिट्टी को कोड़ कर तो चारों तरफ से मैं इसके भी गोबर डाल करके इसको धीरे धीरे मैं उठाने का कोशिश कर रही हूँ। और देखिएगा इसके इतना छोटा सा प्यारा सा अनार भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बताइए आप ही कि इसको कैसे छोड़ दें गिरा हुआ। तो मैं कोशिश की और बहुत हद तक मैं इसको सही भी कर दी और फाइनली मैं इसको बांध के ये आंवला का पेड़ मैं इसको वापस से बांध दूँगी। और देखिए कितना प्यारा सा अड़हुल का फूल कल ही निकला हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा है, ये भी मेरे हस्बैंड लगाया है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से जा कर के लेके ला कर के पेड़ पौधे को लगाते रहते हैं। तो देखिए फाइनली गाइस मेरा ये अनार का पेड़ उठ चुका है और इसको मैं आंवला के पेड़ में बांध दी। तो अभी मैं गाइस दिखाई एक को अनार के पेड़ को भी मैं कुछ हद तक सही की हूँ, अब मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं अभी, तो अब वो उठेंगे तो जो बचा हुआ है वो उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं बारिश जो हुई ना पूरा प्रेशर पड़ा, पूरा एकदम ज़मीन से जुड़ गए सभी पेड़ पौधे, तो मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। और अब मेरे हस्बैंड उठेंगे सो करके, तब फिर देखते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो चलिए अगर वो करेंगे मैं शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और ऐसे आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे क्या क्या मैं करती हूँ आप लोग को आगे अपडेट दूँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ठीक कर लिए और अब बांधा लिए अनारों के पूरा सूती गलो रे, पूरा कुछ हद तक ठीक करना चाहिए, ठीक छे के लागा छे के ना ठीक करबो, मट्टी गोबर तो दे नहीं चाहिए। लाइट 1 घंटा दिन भर कटी जाए तो आदमी के हालत खराब हो जाए,
जब लाइट नहीं रहा तो की कर लो जाए की होते तो केना चले रही जिंदगी लालटेन आरो सब काम केना करे रे आदमी जेना करे मसाला पीसना पानी भरना घर द्वार बने रहे तो वह में पानी के इस्तेमाल करना हसनी तो लेबर जो ना मिस्त्री ना कुयां बड़ी बड़ी काम करे रे हाँ तब अखनी आदमी सुनी के की हो गलो छे चेक करो खोलो ओपन करो पार्सल। तो गाइज मैं अभी ऑनलाइन पार्सल मंगवाई हूँ जो कि मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने ऑनलाइन क्या मंगवाया है और कहाँ से मंगवाया और कैसा है। आराम से काटना मैं आपको दिखाऊंगा। कल रात से गाइज लाइट नहीं है, हम लोग का इन्वर्टर भी आप जवाब दे दिया तो खोलो। वाह दिखा दिखा। तो ये देखिए गाइस ये मेरा बेटा ओपन कर रहा है। टन टना मस्त नहीं टू गुड रखो और इसको ओपन करो। देखिए मैंने ऑनलाइन एक सूट मंगवाया अपने लिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा सूट कैसा है। यहाँ रखो क्वालिटी वाओ मस्त है। देखिए गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जो कि मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और देखिए मेरा बेटा इधर मेरा वीडियो का एडिटिंग कर रहा है लैपटॉप में। तो देख सकते हैं गाइज मैं अभी जो मंगवाई हूँ बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा है। थोड़ा सा ना लूज़ है तो इसको मैं टाइट खुद से कर लूँगी। मुझे स्टिचिंग करना आता है तो मैं खुद से ही कर लूँगी। और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा लूज है तो मैं इसको फिटिंग कर लूँगी। और अभी मैं कल से मेरा पार्सल ही पार्सल आ रहा है गाइस। तो देखिए एक अभी आपके सामने आया और एक देखिए कल तीन आया था। एक ये ली थी मैं और फिर एक ब्लू कलर का ली थी जो कि बिल्कुल नया है। मैं अभी इसको ट्राई भी नहीं की हूँ, सोची मैं शॉर्ट्स में ही डाल बनाऊँगी। और एक आज मेरा शॉर्ट्स गया है तो उसमें आप लोग देखिएगा मेरा एक कुर्ती मैं ये ग्रीन कलर का मतलब चार कुर्ती अभी मैं तुरंत ली तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका पूरा सेट है गाइस। तो दुपट्टा पैंट और पैंट है लेडीज़ पैंट जो आता है वो है, कुर्ती है और क्या कहते हैं ये तीन मिनट मैंने इस पर तो मैं आज रील्स बनाई हूँ तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा है। एक ये ली हूँ एक ब्लू वाला और एक ये मैरून कलर का और एक ये अभी जो जस्ट आया ये पर्पल कलर का। तो क्या होता है ना कि मुझे जब कुछ अच्छा लगने लगता है कुछ पसंद आ जाता है तो फिर मैं तुरंत उसको बोली कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अभी लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है जाओ बुक कर लो। तो मैं अभी चार कुर्ती अभी लगातार ली हूँ जिसका पूरा पैंट दुपट्टा सेट सब है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप कपड़े को भी लीजिएगा तो ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। और ये कपड़ा गाइस ना सिल्क में है और वो सब जो है सो कॉटन में है तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरा कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी प्यार से सपोर्ट बना करके रखिएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आप लोग के साथ इसी तरह से शेयर करती रहूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग के साथ बातें शेयर करना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं तो ऐसे आप लोग प्यार से सपोर्ट बना करके रखिएगा और ऐसी मैं छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती है आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।